तो हे गाइस, आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि नीट के एग्जाम में आता है, वो है स्पीसीज इंटरेक्शन। तो स्पीसीज इंटरेक्शन में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि मूजुअलिज्म, कमेंसलिज्म, ठीक है, ऐसे करके जो है मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म। ये पूछा जाता है आपसे, स्पीसीज के बारे में पूछा जाता है कि किसी स्पीसीज को मतलब प्लस माइनस साइन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर तो इस पर एग्जाम्पल आए हैं, तो एग्जाम्पल जो है वो ज़्यादा करके आपको इसे याद रखना है। बाकी मैं इसे समझा देता हूँ और यहाँ पर उसके साइन लिख देता हूँ, ठीक। देखिए, म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म मतलब होता है म्यूचुअल होना। म्यूचुअल मतलब कि जो आपके पास भी है मेरे पास भी है, यानी कि जिससे आपको भी फायदा हो मुझे भी फायदा हो, उसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं। यानी कि अगर कोई ए स्पीसीज है तो एक को फायदा होगा, प्लस का मतलब होता है फायदा, तो एक को फायदा होगा और साथ में जो है वो दूसरी स्पीसीज है उसे भी जो है वो फायदा होगा, ठीक है। जैसे कि मैं चीज़ किसी को दे रहा हूँ तो किसी से ले भी रहा हूँ कुछ, ठीक, तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म, मतलब कि जिसमें दोनों स्पीसीज का फायदा होता है, ठीक। दूसरा आता है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है कि दो लोग, मतलब एक ही रोटी है उस पर हम कह रहे हैं कि अगर 10 लोग लड़ रहे हैं तो जब 10 लोग लड़ेंगे तो सबका ही घाटा है, ठीक है। एक तरह से घाटा जो है वो सबका है, क्योंकि आपस में सब कोई जो है वो मार करेंगे, झगड़ा करेंगे। तो इसीलिए कंपटीशन में क्या होता है कि अगर ए स्पीसीज है तो उसका भी घाटा होता है, अगर बी स्पीसीज है तो उसका भी घाटा होता है। इसमें जो है वो आपको याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो साइन होता है, साइन याद कर लेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। कंपटीशन में जानते हैं आप कि अपने में खुद ही कंपटीशन है तो सबका फायदा नहीं होता है, लोग लड़ेंगे तीसरा कोई फायदा उठाकर चला जाएगा। तो कंपटीशन में क्या होता है कि स्पीसीज ए का भी घाटा है और स्पीसीज बी का भी घाटा है। अब आते हैं प्रेडेशन। प्रेडेशन मतलब क्या होता है? शिकार करना। शिकार करना मतलब क्या होता है? इसमें एक का फायदा होता है लेकिन दूसरे का नुकसान होता है। जैसे शेर अगर शिकार करेगा तो शेर का तो फायदा है, उसका तो पेट भर रहा है, लेकिन मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हिरण का शिकार करे तो हिरण का तो घाटा है ना, उसकी तो जान चली गई। तो प्रेडेशन में क्या होता है कि ए स्पीसीज है उसका क्या होगा? फायदा होगा, लेकिन बी स्पीसीज है उसका क्या होगा? घाटा होगा। यानी कि एक का फायदा होगा, एक का घाटा होगा। अब आते हैं पैरासिटिज्म पे। पैरासिटिज्म मतलब क्या? पैरासिटिज्म मतलब ये कि पैरासाइट, जैसे कि हम कह रहे हैं पैरासाइट में हम ले लेते हैं एक तरह से, हम ये जो लीक 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 होते हैं ना, लीक मतलब ढीलो जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या होता है? पैरासाइट होते हैं। वो पैरासाइट क्या करते हैं? किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने भोजन के लिए। अब ये बताइए, अब जो लीक है, लीक हमारे सर में है तो उससे हमें कोई फ़ायदा है? नहीं ना, उल्टा हमारा ही नुकसान होता है कि मतलब जो ब्लड है हम लोग का ख़राब हो रहा है। आप मॉस्किटो से ले लीजिए, मच्छर को ले लीजिए, मच्छर क्या करता है? हम लोग का ब्लड लेता है, ऊपर से मलेरिया भी फैला देता है, तो उसका फ़ायदा है लेकिन हमारा तो घाटा ना। उसका तो रिप्रोडक्टिव साइकिल चल जा रहा है लेकिन हमारा तो घाटा हो जा रहा है। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक का फ़ायदा होता है, एक स्पीसीज़ का फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे स्पीसीज़ का क्या होगा? घाटा होता है, ठीक। तो पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, दोनों बात जो है वो साइन के मामले में एक है लेकिन कैरेक्टर के मामले में अलग अलग है, ठीक है, वो भी अलग से पढ़ेंगे हम लोग। कमेंसलिज्म में क्या होता है? तो देखिए, कमेंसलिज्म में यही होता है, सेम वही है कि इसमें भी जो है वो कॉमेंसलिज्म मतलब कॉमन होता है। एक में क्या होता है? फ़ायदा होता है, एक का जो है वो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं और उससे हमें जो है वो फ़ायदा हो गया लेकिन एक को जो है वो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, ठीक। तो यानी कि एक का फ़ायदा होता है और एक पे जो है वो जीरो, निगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि जो कोई भी चिड़िया हो गई वो किसी भैंस पर जब बैठती है तो भैंस भैंस बैठते हैं, ये तो म्यूचुअलिज्म में आ जाएगा, ठीक है, एक तरह से। तो लेकिन कमेंसलिज्म की बात करते हैं, तो कमेंसलिज्म में आप बहुत सारे एग्जांपल है तो उसका जब हम एग्जांपल देखेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि मतलब क्या होता है कि जब एक कोई स्पीसीज है, अब इसके स्पीसीज पे मान लीजिए कुछ है तो इसको हम मतलब मेरा तो इससे फ़ायदा हो गया लेकिन इसको कोई नुकसान भी ना हो, ये होता है कमेंसलिज्म। मतलब कि एक का फ़ायदा हो रहा है जाने अनजाने में लेकिन उसको पता भी नहीं चल रहा है कि इससे जो है वो इसका फ़ायदा हुआ, यानी कि एक का फ़ायदा होता है और दूसरे को कोई नुकसान या फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो हमारा कमेंसलिज्म में आता है। और हम कहते हैं कि अमेंसलिज्म क्या है? तो अमेंसलिज्म में क्या होता है कि जाने अनजाने में एक को तो घाटा हो जाता है लेकिन दूसरे वाले को जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। ये हो गया हमारा अमेंसलिज्म। अब कॉमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म में जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद करेंगे। देखिए, कैटायन क्या होता है?
कैटायन मतलब सी पर क्या होता है, प्लस होता है। एनायन क्या होता है, ए पे क्या होता है, माइनस होता है ना। कैटायन मतलब सी पे प्लस और एनायन मतलब ए पे माइनस। तो मैं कैसे याद करता था, तो सी है ना, सी एन की कैटायन है, कैटायन पे प्लस चार्ज है, यानी कि कॉमेंसलिज्म में क्या होगा कि एक का फायदा होगा लेकिन एक जो है वो न्यूट्रल रहेगा, और एमेंसलिज्म में ए पे माइनस है यानी कि एक का घाटा होगा बाकी एक जो है वो न्यूट्रल रहेगा। तो इसको जो है आप याद कर सकते हैं, रिफ्रेक्श में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।